आपको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसने साले ने ये लाइन लिखी है वो अगर मेरे को मिल जाए तो दो नींव कान के नीचे खींच के। पिछले 3 दिन में मुझे यहाँ की लोकल पुलिस 15 बार पकड़ चुकी है। कहते यहाँ के जो MLA हैं उसके बच्चे का डायपर चोरी हो गया है और हमें तुम पे शक है। मैंने कहा सालों अगर मेरे पास होता तो मैं पहनता नहीं और मैं डायपर पहनूंगा भी क्यों, क्योंकि अभी मेरे को वैसे ही पता चल जाता कब मेरे को सुसु जाना कब मेरे को, मैं क्यों पहनूंगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन, मैं इस इलाके का फेमस डॉन भोलू डॉन। इस इलाके के बच्चे मेरे से थर थर कांपते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि भोलू अगर किसी से उधार ले ले तो जल्दी वापस नहीं करता। आप क्या समझ रहे हैं अर्चना जी? हेलो हेलो, पहचाना कि नहीं? डॉन कपिल हूँ। मैं कोई आम गुंडा नहीं हूँ। आपने सुना होगा पिछले साल एक आदमी ने लाइन में खड़ा करके 15 लोगों को गोली मार दी थी, मैं भी उन 15 में से एक हूँ। आपको क्या लगता है ये बाली मैंने ऐसे ही पहनी है? नहीं, गोली मेरे कान से निकल के छेद करते हुए निकल गई। मैंने कहा छेद तो हो ही गया तो क्यों ना बाली पहन लूं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आपको पता है डॉन बनना कोई आसान काम नहीं है। डॉन बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और स्पेशली अपने इलाके में। आम आदमी के 4 थप्पड़ मारो साला भाग जाता है, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद जी ने सिखाया कि कोई गुंडा चाहे थप्पड़ मारे घूंसे मारे लात मारे भागना नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा वो गुंडा खुद भागेगा कहेगा भाग जाओ कहीं साला मरी ना जाए। ये और अपने इलाके में गुंडागर्दी करना कोई आसान काम नहीं है। कई बार अपने दोस्तों की सुपारी आ जाती है। मेरे को तो एक बार ठाकुर की सुपारी आ गई थी। एक आदमी कहता ये लो 700 रुपया और इसको खत्म कर दो। मैंने कहा दफा जा, ये ले 1000 रुपया और आज से अगर ठाकुर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो दूंगा कान के नीचे, क्योंकि उसी की वजह से वैल्यू बनी हुई है, नहीं तो खास तो हम भी कुछ करते नहीं वैसे। बाकी मैं एक बात बताता हूँ कि इस धंधे में कुछ खास कमाई है नहीं। मैं सुबह अखबार फेंकता हूँ, रात को दूध भी बेचता हूँ। कभी कभी तो मेरी इतनी किल्लत हो जाती पैसे की कि अपने बाप को किडनैप करके माँ से 500 रुपये लेना पड़ता है। लेकिन आज मुझे एक अच्छी खासी फिरौती मिली है। इसी बस स्टॉप से एक लड़की को उठाना है मुझे। उसकी ड्रेस के बारे में मुझे पूरा बताया गया है और पूरे 1 बजे का टाइम है। मेरे पास घड़ी चाहे है चाहे नहीं, लेकिन वो लड़की टाइम पे आएगी। सुनिए, 300 नंबर की बस निकल गई क्या? तो क्या तुम्हारी एंट्री की वेट करेगी? निकल गई वो। वैसे आप कहें तो मैं आपको अपने साइकिल पे छोड़ दूं। एक्सक्यूज मी, आप बड़े फ्रैंक हो रहे हैं। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं सोनिया। सोनिया, ये वही लड़की जिसको मैं किडनैप करने आया हूं। वैसे आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ दूं। दीदी दीदी, हाउ डे यू कॉल मी दीदी? दीदी होगी तेरी माँ, तेरी बहन, मैं कोई दीदी विदी नहीं हूँ। आया बड़ा दीदी बुलाने वाला। तो क्या कहूँ तुझे जीजा जी? एक तो आजकल की लड़कियों का एटीट्यूड देखो, इनको इनको दीदी बोलते इनको लगता माँ बहन की गाली दी है। एक्सक्यूज मी, आपने भोलू डॉन का नाम सुना है क्या? भोलू? ए, जुबान संभाल के बात करो। भोलू डॉन का इस पूरे इलाके में खौफ है, ऐसा वैसा नहीं है भोलू डॉन। ओह, तो तुम उस भोलू डॉन के खौफ की वजह से कांप रहे हो? नहीं, मेरे को तो ठंड लग रही है। मैं तो तुम्हें पता है भोलू डॉन के सामने से कोई भी खूबसूरत लड़की निकले उसको उठा लेता है, इसलिए मैं कहता हूँ खतरा मोल मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हैं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? मैं तो उस डॉन के साथ जाऊंगी। वैसे क्या नाम बताया उसका? श्री भोलू डॉन। श्री भोलू डॉन। वैसे सच बताना, ये भोलू डॉन ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे उठाकर तो ले जाए, बाद में मेरे पैरों पे गिर के बोले प्लीज मेरी कुल्फी खरीद लो, सुबह से एक भी नहीं बिकी। ए, भोलू डॉन कुल्फियां नहीं बेचता। तुम्हें कैसे पता? ठंड में कुल्फियां कौन खाता है? गचक मूंगफली की बात करो तो मैं बता भी दूं। वैसे तुम बात बड़ी अच्छी अच्छी करते हो। ये बताओ बस पकड़ के कहाँ जा रहे हो? ए, बस में नहीं बैठता मैं। आए हाय, एटीट्यूड है? एटीट्यूड नहीं, किराया। किराया नहीं मेरे पास। मैं साइकिल से जाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। थक गए क्यों? हाँ, वो मैं आ रहा था रास्ते में तो ये रोशनी ने इसने टांग दिखा के मेरे से लिफ्ट मांग ली। टांग देखकर फिसल जाते हो? ए, टांग की बात नहीं है, ये लड़की बड़ी हेल्पफुल है।
सब सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पेंसिल मुंह में डाल के छील के देती है उनको। आजकल तो बतखों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि बॉम्बे वाली भुआ एंकरिंग कर रही है और हमें पानी में क्यों डाला है। बॉम्बे वाली भुआ। आज मेरी शादी हुई है। इस शादी से तो मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है तो क्या हुआ, लेकिन शादी के बाद एक्साइटमेंट तो रहती है ना। मतलब यू नो लाइक दूल्हा कैसा होगा, मतलब जब वो घूंघट उठाएगा और मेरी आंखों में देखेगा तो मैं झूठ मूठ का शर्माऊंगी और उससे कहूंगी ऐसे ना देखो बंटी की तरह। सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे। ए रखना इधर। हेलो हेलो, ड्रेस से पहचान ली होगा मैं क्यों खुश हूँ आज। शादी हुई है मेरी। शादी से मैं खुश हूँ लेकिन शादी के अरेंजमेंट से मैं बड़ा दुखी हूँ। ये लड़की वाले इतने कमीने निकले ना। लड़की के बाप ने मेरा क्या किया मेरे साथ, घोड़ी से उतरते मेरे हाथ में 5,000 रुपए दे दिया। मेरे को बोलता पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। ऊपर से खाना इतना यक, आई हैव नेवर सीन इन द ऑन माय प्लेनेट अर्थ। इतना गंदा खाना मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूं। एक मिनट सेहरा खोलूं मैं, बांध ले तेरी शादी वैसे ही पता ही होएगी नहीं होएगी। इतनी गंदा खाना, दो दो तरह का रायता रखा हुआ था। पहले मैं खुश हो गया, दो दो तरह का रायता, फिर पता चला रायता एक ही था। दूसरा वाला जो था ना, पिछले हफ्ते की पिघली हुई आइसक्रीम में बूंदी डाल के दे रहे थाले। और जो गुलाब जल दिया उन्होंने, ओ माय गॉड, इतनी स्मेल गुलाब जल नहीं जुलाब जल लग रहा था। क्या बकवास कर रहा है, मेरे बाप ने कितनी अच्छी शादी करवाई है। क्या अच्छी शादी कराई है, शादी में पनीर की सब्जी देखी तूने, इतने इतने बड़े टुकड़े पनीर के, इतने सख्त सख्त, 4 टुकड़े जोड़ के मैंने गद्दी बनाई मंडप पे, मैं उसी बैठा हुआ था। बढ़िया, तेरे को अकल नहीं है। शादी वाले दिन अपने पति से पहले दिन ऐसे बात कर रही तू। पति? या फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट हैंडसम। तुमसे मेरी शादी हुई है? या तुम और ऋतिक? यस। नहीं ऋतिक। और वो जो मंडप में मेरे साथ बैठा था वो कौन था? वो तो बब्बन मेरी बुआ का लड़का। क्या? अरे बाबा शादी में काम बड़े थे, तो काम देखने गया था, बब्बन को बिठा गया था मैं। अरे बेवकूफ, अपनी शादी में कोई किसी और को बिठा के जाता है क्या? तो उसमें क्या है बाबा, अगर मैं नहीं जाता तो हलवाइयों को कौन देखता। हलवाई इतने कमीने होते ना, आप सर पे ना खड़े हो घपला कर जाते हैं। पिछली बार मेरे चाचा की शादी थी, 1.5 किलो छुआरे 2 किलो बादाम गायब हो गए, पता नहीं चला। तेरे को पता है हमारे में चलता है बाबा, जब मेरे चाचा की शादी थी ना तो इमीडिएट बाद उनको काम पड़ गया, तो मेरी चाची को सिंगापुर हनीमून पे मेरे पापा ले गए थे। या नहीं, जा तो चाचा भी सकता लेकिन पासपोर्ट नहीं था। अब जिसका पासपोर्ट वही जाएगा ना। अरे तेरा चाचा कितना बेवकूफ है, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो इंडिया में जाता ना हनीमून के लिए। अरे वो चाची बड़ी जिद्दी थी, कहती हनीमून होएगा तो सिंगापुर में, नहीं तो मौन व्रत रख लूंगी। नहीं बानी वो मौन व्रत। या खैर, अगर जाना था तो तेरे बाप के साथ क्यों गई? बाप चाची से ज्यादा जिद्दी था मेरा, कहता घर का बड़ा मैं ही डिजर्व करता, मैं जाऊंगा हनीमून पे, ऐसे बोल रहा था। हे भगवान, कैसे पागल खानदान में मेरी शादी हो गई। ए पागल, किसको बोली तू खानदान को? तेरे को पता है हमारा खानदान कितना फेमस है? हमारे खानदान के चर्चे दूर दूर तक है। पिछली बार न्यूज सुनी तूने, एक 70 साल की बुढ़िया 30 साल के लौंडे के साथ भाग गई। सुनी ना? That was my grandmother, the latest grandmother, greatest. हाय भगवान। हाँ, आई बड़ी। कितनी बेशरम है तेरी दादी, उसे शर्म नहीं आई 30 साल की लड़के के साथ भाग गई। इस शर्म वाली कौन सी बात है, प्राउड होना चाहिए उल्टा। लड़का भी अच्छा भागा, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विनर मेरी दादी निकली। और यू नो मेरी दादी 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागती है। Oh God. 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो कोई भी भाग सकता है। कोई भाग सकता कोई नहीं भाग सकता है, टांगे नहीं उसकी, हाथों से भागती है, ऐसे 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 कैसे भाग सकता है। तुम्हारी दादी की टांगे क्यों नहीं है? वो बड़ी गुड न्यूज है, सॉरी सैड न्यूज है, वो बॉक्सिंग खेलती थी ना तो उसके चक्कर में उसकी टांगे चली गई। क्या बकवास करता है, बॉक्सिंग का टांगों से क्या लेना देना? ये क्यों नहीं लेना देना, अब बिना वजह किसी को मुक्का मारेगी वो तो टांगे तोड़ेगा ही। सुन मेरी बात सुन, हाउ डेयर यू टू पुट योर घूंघट आउटसाइड। किससे पूछ के घूंघट उठाया, मैं मुंह दिखाई किसको दूंगा मैं? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुंह दिखाई। अच्छी बात है, मेरे 2100 रुपए बच गए, मेरा क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा कहीं और। हाय, इतनी
सुंदर चेहरे को ये 21 रुपए देता है? अरे बेवकूफ, लोग अपने दुल्हन को ना 2100 देते हैं, 5100 देते हैं। हाँ देते हैं लोग, मेरे पास 2100 से 5100 देते, तेरे से शादी करता मैं? और तू 5100 किस बात का मांग रही है? तू अपने आप को जज समझती है? तेरे को 5100 दे दूं मुंह दिखाएगा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।